पूरे 24 घंटे मैं और मेरी टीम जंगल के बीच एक खंडहर डरावने घर के पास रहे। ये जंगल दिन में जितना शांत और सुंदर दिखता है उतना ही भयानक रात को हो जाता है। हमारे लिए वहाँ रहना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टीम में कम लोग होने से डर काफ़ी लग रहा था, इसी वजह से एक सदस्य रात को हमारे साथ रहने आ पहुँचा। क्या एक व्यक्ति के आ जाने से हमारा डर कम हुआ या नहीं, यह जानने के लिए देखते रहिए सिंह बोरा ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह बोरा ब्लॉग्स पे। तो गाइस, जो मेरा एक सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट कर रखा है, जिसे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने लिखा है, हेलो सर, जो आपका फर्स्ट चैलेंजिंग वीडियो था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस, अगर आपने मेरा पहला चैलेंजिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो उस लिंक में जाकर आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। भाई ने ये चैलेंज दिया है मुझे कि आप एक जंगल में जाइए और 24 घंटे वहाँ रह के दिखाइए। तो गाइस, जो पिछला चैलेंज था उसमें हम दो लोग गए थे, लेकिन इस बार चैलेंज थोड़ा टफ है, तो मैंने अपनी टीम बना रखी है। तो गाइस, अब हम नाश्ता बना रहे हैं, भूख लग गई है। बॉबी भैया प्याज काट रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर आग जल गई है, तो इसमें हम मैगी बनाएंगे। अभी मैगी लाए हम, और डेविड भैया यहाँ पर आराम से बैठे हैं, इनको कुछ थकान हो गई। तो फाइनली गाइस, मैगी बन गई, अब हम मैगी खाएंगे। तो गाइस, फाइनली हमने मैगी खा ली है, अब हम जाने की तैयारी में आगे को। गाइस, अब हम जंगल के बीचों बीच में हैं, और जो मेरी टीम है ना, वो देखिए जस्ट मेरे पीछे है। हेलो गाइस, हेलो, थकान हो गई क्या? नहीं नहीं, ये देखिए, तो आइए फिर, आइए जल्दी आइए, और अब हम सफर का मजा ले रहे हैं। गाइस, आधा रास्ता हमने अपने सफर का तय कर चुके हैं, और जिस भाई ने हमें चैलेंज दिया था वो लोकेशन हमने ढूंढ ली है। अब वहाँ हम जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो आपको ले चलते हैं आगे को। गाइस देखिए, बीच जंगल में हैं हम, अभी के बीच से गुजर रहे हैं हमें। जंगली जानवरों का भी यहाँ खतरा बना रहता है, देखिए। तो गाइस, आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो चुका है, बहुत थकान हो चुकी है। भाई लोग देखिए, ये थकान के मारे पानी प्यास लगी है इनको, पानी और ख़त्म हो गया पानी आधे रास्ते में ही, आधे रास्ते में पानी ख़त्म हो गया था। और जो हमारी टीम है वो आगे को जा रही है पानी भरने के लिए, तो हम और हम यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो बॉबी भैया, आपको भी थकान हो गई क्या? थकान हो ही गई, काफ़ी चढ़ाई है। चलो ठीक है, तो 5 मिनट रेस्ट करेंगे हम, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। गाइस देखिए, किसी जंगली जानवर ने यहाँ पर खोद रखा है, ये शायद आसपास में कहीं जंगली जानवर हो। ढलान है काफी, इसमें अगर कोई गिर गया तो सीधे गया समझ लो। ये देखिए, कई खतरनाक रास्ता है, देखिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बड़ी कठिनाई से चला जा रहा है यहाँ पर। आराम से, हेलो, आराम से, आराम से, आराम से, मैं गिर गया यार। अब हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और इसी बीच देखिए ये जंगल जहाँ भयंकर भयंकर जानवर रहते हैं। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल में, और देखिए जस्ट मेरे पीछे, और मेरे भाई लोग भी साथ साथ हैं, और अब हम यहाँ पर टेंट टेंट लगाएंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। अब जो हमारा जो आज हम जो खाना पीना बनाएंगे और जो पानी की व्यवस्था करेंगे, सलमान भाई हैं, ये हमारे कुक, देखिए खाना बना रहे हैं हमारे लिए। हमारे अमन भाई,
ये मुर्गी को काटेंगे। ये देखो ये है हमारे डेविड ब्रो, ये हमारे लिए लकड़ी की व्यवस्था करेंगे। ब्रो तैयार हैं? या ब्रो या। अब हम अपनी टीम के नेक्स्ट सदस्य बॉबी बोरा से मिलेंगे। तो बॉबी बोरा जी जो हमारे हैं ये टेंट लगाने में एक्सपर्ट हैं। आज हम यहाँ पर जो टेंट लगेगा उसका जो पूरा जो जिम्मा उठाएंगे बॉबी बोरा जी उठाएंगे। बॉबी बोरा जी तैयार हैं? हम तैयार हैं, बस टेंट जोड़ने के लिए तैयारी। चलो फिर तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमने टेंट टेंट लगा के अपनी जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली है। आज हम यहीं रुकेंगे। जस्ट मेरे पीछे देखिए बहुत बड़ा पहाड़ है और जस्ट मेरे नीचे देखिए ये बंजर घर है, देखिए जो मैंने आपको ड्रोन शॉट में भी दिखाया था। और मेरे पीछे देखिए आप बहुत बड़ा पहाड़ है और जस्ट मेरे नीचे देखिए एक ये मकान है जो खंडहर में तब्दील हो गया है। आज हम यहाँ पर रहेंगे। पहले यहाँ पर भी एक परिवार रहता था लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर रह नहीं पाया। कईयों का मानना है कि यहाँ पर जंगली जानवर आते थे जिस कारण से वो यहाँ से पलायन कर चुके थे। तो आज जो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था यहीं का है। आज हम यहाँ पर रहेंगे रात को और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो गाइस देखिए खाना खाया था मैंने लेकिन बर्तन नहीं धोए मैंने अभी, तो आज धोने पड़ रहे हैं बर्तन। देखिए गाइस देखिए डेविड ब्रो लग चुके हैं लाइट बनाने में। यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं कि हम जहाँ पर खाना बनाएंगे वहाँ पर लाइट वाइट जल्दी ना, इसलिए हम यहाँ पे लाइट लगा रहे हैं। डेविड ब्रो ओके हो गया है लाइट के? और यहाँ पर हमारी खाना बनाने की आग जली, यहाँ पर हम खाना बनाएंगे। मटेरियल है हमारा, देखिए अमन ब्रो हमारे मीट काट रहे हैं। कितना निकला अमन ब्रो? डेढ़ किलो। डेढ़ केजी मुर्गी 2 केजी की थी और 1.5 किलो मीट निकला है। और यहाँ पर ये आग जलाई जा रही है ताकि जंगली जानवरों से हमें बचाव हो सके रात को। गाइस बॉबी भाई चिकन नहीं खाते हैं तो ये अंडे की भुजिया बना रहे हैं अपने लिए। देखिए थोड़ा स्माइल भी है इनके चेहरे में, धुआं लग रहा है खाली। कितने अंडों का बना रहे हो भाईजान? पता नहीं रास्ते में फूट गए हैं ज़्यादा, तो देखो कितने बचे हैं इसमें। गाइस देखिए हमारा खाना बन रहा है। बॉबी भाई ने तो अपना अंडा भुजिया बना दिया है। अब ये चिकन की तैयारी चल रही है और यहाँ पर ये चावल बन गया प्रेशर कुकर में हमारा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक पार्टनर और आ चुके हैं मुन्ना भाई। ब्रो पहुँच गए हैं जी भैया, पहुँच ये रास्ता भटक गए थे, थोड़ा अलग रास्ते से आ गए थे तो उनको लेने के लिए बॉबी भाई और डेविड ब्रो गए थे। तो अब ये भी 1 केजी चिकन लाए हैं, बहुत सारा सामान लाए हैं तो चिकन हो गया हमारे पास ज़्यादा। तो अब पहले हम पकौड़ी बनाएंगे चिकन की, उसके बाद फिर हम चिकन बनाएंगे तरी वाला। तो सल्लू भाई जो हमारे हमने बताया था आपको कि हमारे जो ये कुक हैं सल्लू भाई लगे हैं, ये लगे हैं। तो सल्लू भाई पकौड़ी बनाओ फिर। हाँ
डालो डालो सोलो भाई डालो हाँ हाँ डालो डालो ना तो गाइस फाइनली हमारी पकौड़ी बन चुकी है देखिए काफी टेस्टी बना रखी है सल्लू भाई ने अच्छा कैरिंग दिया यार तो अब हम एंजॉय करेंगे पकौड़ी का तो गाइस देखिए और सल्लू भाई ने हमारे यहाँ पर चिकन बना दिया है बहुत ही टेस्टी बनाया है शायद लग रहा है तो सल्लू भाई कोई कमी तो नहीं है इसमें नहीं नहीं सब ओके तो गाइस बताइएगा कि कैसा बनाया है कमेंट बॉक्स में जाके कढ़ाई चिकन है ये सूखा सूखा तो गाइस रात के 12 बज चुके हैं और जो हमने ये आग लगाई है ये अभी जली रही है और काफ़ी ठंड हो रहा है टेंट हाउस में भाई लोग धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रहे हैं सलमान भाई और देखिए डेविड ब्रो बॉबी बोरा जी हेलो ब्रो ब्रो नींद आ रही है ना ना अभी आ ही रही है थोड़ी देर में सो जाएंगे अभी हमको तो नींद नहीं आ रही हम तो थोड़ी देर बाद सोएंगे भाई बस ठीक हो रहा है ठीक है ब्रो हाँ मैं थोड़ा हम आप जा रहे हैं ब्रो लकड़ी काटने ठीक है थोड़ा लकड़ी कम हो गई गाइस जैसे देख रहे हैं आप तो रात को 12 बजे हम जाएंगे जंगल में लकड़ी काटने जो वहाँ पर मेरे जस्ट आगे उजाला देख रहे हैं जस्ट आगे देखिए भाई लोग गए हैं लकड़ी काटने के लिए तो मैं वहाँ उनके साथ जा रहा हूँ तो देखिए रात के मैं बता रहा था आपको कि रात के 12 बज चुके हैं लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है तो आप थोड़ा टहनियाँ काट के और सूखी लकड़ियाँ काट के आप रात भर गुजारा करना पड़ेगा थोड़ी दूर आ गए हम यहाँ पर जो हमने टेंट हाउस लगाया था अपना रहने के लिए बहुत दूर है यहाँ से और वहाँ पर आग जली है तो आग लकड़ी कम होने की वजह से हम जंगल में आए हैं तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं लकड़ियाँ यहाँ पर मिल नहीं रही है तो हम थोड़ा आगे को अंदर को घुस रहे हैं जंगल के रात के बज रहे हैं एक सल्लू भाई गहरी नींद में सो गए हैं डेविड भाई भी और यहाँ पर बॉबी बोरा द्वारा लगातार आग जलाई जा रही है और ये हमने जो अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया है ना कि हम 24 घंटे आपको रह के दिखाएंगे तो 24 घंटे हम सोएंगे भी नहीं अब कल ही सोएंगे हम तो बॉबी बोरा यहाँ पर तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं टॉयलेट गए थे चलो देखिए रात के 1 बजे टॉयलेट लगी है इनको और अकेले जाने देखा डरते नहीं हो हमारी तो हालत ख़राब हो जा रही है इधर से थोड़ा सा दूर जाने में गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारी जो बैटरियाँ थी वो टिकी थी 1:30 बजे तक अब हम नेक्स्ट बैटरी जो है वो हमारे पास है नहीं तो अब हम आग के भरोसे बैठे हैं यहाँ पर देखिए दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा चारों ओर दिखा रहा हूँ मैं आपको ये भाई लोग बैठे हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है हमने तो गाइस एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब तो बनता ही है लैस ऑन कर चुका हूँ और देखिए अंधेरा ही अंधेरा है चारों ओर केवल आग एक हमारा भरोसा है आग के ऊपर ये कब तक टिकेगी पता नहीं और बॉबी ब्रो मुन्ना ब्रो बैठे हैं बाकी सब लोग सो गए हैं और मेरे साथ ही जो कैमरा मैन है वो भी मेरे साथ हैं तो ब्रो आप डर तो नहीं रहे हो कहीं ना नहीं किस बात की डर होती है मुन्ना ब्रो कोई दिक्कत नहीं हुई कोई डर की बात नहीं ये देखिए एमची भी उठ गए अमन ब्रो भी उठ गए हैं ठीक है ठीक है लगे रहो ब्रो बैठे रहो हाँ कुछ करते हैं नया आप यहाँ गाइस आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से एक बैटरी और मिली है वो भी आधी है तो इसको हमने लगाना पड़ेगा यहाँ पर अपने रात का जो सहारा है हमारा उजाले का ये आखिरी बैटरी है हमारी अब देखो कब तक टिकती है करीबन करीब 1:30 बज चुके हैं रात के 2:30 बज चुके हैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही है मुन्ना भाई भी ये आँख झपका रहे हैं कभी कभार ये भी नहीं सो रहे हैं टेंट के अंदर आ चुके हैं हमें देखिए टेंट बना रखा था हमने तो नींद आ रही है लेकिन थोड़ा डर के मारे नींद नहीं लग पा रही है चैलेंज जारी है हमारा तो फाइनली गाइस 3 बज चुके हैं आप देख रहे हैं कि
जो मेरे भाई लोग हैं वो सो नहीं रहे हैं, यहाँ पर कोई आग का एंजॉय ले रहा है, और यहाँ पर बॉबी ब्रो सोने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको नींद नहीं आ रही, और सलमान भाई ने यहाँ पर आधा घंटा सो गए हैं, और डेविड ब्रो भी टेंट के आस के अंदर है, और अमन भी यहाँ पर टेंट के अंदर घुस चुके हैं, उनको जाड़ा हो रहा काफ़ी। और इस 3 बजे में देखिए कैसा नज़ारा है बाहर का, देखिए, और एक टेंट खाली है, यहाँ कोई सोया नहीं है अभी, मैं भी नहीं सोया हूँ, और आपको ले चलता हूँ मैं अब नीचे जहाँ एक खंडहर है वहाँ पर, हिम्मत तो नहीं हो रही है मेरी लेकिन ले चलता हूँ आपको, दिख रहा है कहीं गाइस जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे एक घर है, उसकी जो छत नहीं है वो खंडहर में बदल चुका है ये घर, तो 2 या 3 साल पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें एक बूबू रहते थे, तो वो चल बसे हैं, तो उनकी फैमिली रही थी 2-4 महीने यहाँ, और लेकिन अब चले गए हों, कहते हैं कि यहाँ कुछ आवाज़ें आती थी या कुछ जग कोई कहता था, जंगली जानवरों की वजह से चले गए, लेकिन हमें भी यहाँ कुछ डर का अनुभव हो रहा है, और जो मेरे साथी हैं अभी तक वो सोए नहीं हैं इस डर की वजह से, मैं भी नहीं सोया अभी तक क्योंकि नींद नहीं आ रही मुझे भी, थोड़ा डर का अनुभव मुझे भी हो रहा है। और मकान के पीछे साइड देखिए पूरा जंगल है, घनघोर जंगल है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से, फाइनली गाइस 4 बज चुके हैं, सब लोग आ गए हैं टेंट के अंदर, बॉबी भाई भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, एक टेंट है उसके अंदर सब घुस गए हैं, डेविड ब्रो भी हैं, सलमान भाई भी सो गए हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, ठंडे से हालत ख़राब हो गई है लेकिन नींद नहीं आई, और सोए रहे टेंट के अंदर, अब हम उठेंगे आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे और चाय बनाते हैं। गाइस देखिए आग बुझ चुकी है पूरी तरह से, और बाहर का नज़ारा इस टाइप का हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो हमारी लाइट थी वो अभी भी साथ दे रही है हमारा, और ठंड के मारे यहाँ पर हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, हमारे सुबह का नज़ारा है, पूरा सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई ठंड की वजह से, आप देखिए हमारे साथी लोग अभी भी सोए हैं, देखिए इनको भी नींद नहीं आई लेकिन एक खाली ठंड से बचने के लिए टेंट के अंदर है। तो गाइस कड़ाकेदार चाय बन गई हमारी सुबह की, देखिए, और साथ में है बिस्किट, अमन भाई रेडी हैं चाय पीने के लिए, और यहाँ पर गुड़ की कटकी लगी है हमारी, और ये सल्लू भाई भी तैयार हैं चाय पीने के लिए, और भाई लोग अभी उठे नहीं, आधे भाई लोग अब हम चाय पीते हैं, और धीरे धीरे सुबह होने वाली है, देखिए, और जो सोए हैं उन भाई लोगों को उठाते हैं हम। हेलो भाई लोगों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ चाय पियोगे, कड़ाकेदार चाय बना रखी है बॉबी बुरा मुन्ना, तो खर्राटे ले रहे हैं, उठ जाए आप, उठ जाए। गाइस चाय का एंजॉय ले रहे हैं हम, गुड़ के साथ मजा आ रहा है।
तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और धूप खिल चुकी है और जो हमारा चैलेंज था वो हमने पूरा कर दिया है। इस चैलेंज में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धीरे धीरे धूप खिल रही है सब जगह। और मेरी टीम रेडी हो चुकी है चाय आए पीने के बाद, अब घर को जाएंगे हम। तो भाई लोग तैयार हो? सब ओके हो ना? तो फाइनली गाइस जो हमारा चैलेंज था हमने पूरा किया और 24 घंटे का, और 24 घंटे में अभी 2 घंटे बाकी हैं तो घर पहुंचने तक हमें 24 घंटे हो जाएंगे। और आपको कोशिश की कि अच्छा सा अच्छा वीडियो और ब्लॉग दिखाने की। तो गाइस अब आपकी बारी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।